Assalamualaikum, good evening everyone, welcome back to SR Vlogs and आज हम करने वाले हैं different bakeries के समोसे try. तो चलिए शुरू करते हैं. अच्छा भाई, हमारे यहाँ कितनी bakeries हैं समर? Total? Six. हमने सब bakery से एक एक समोसा लिया है और कुछ जो हमारे shopkeeper था वो तो image, जब हमने उनसे बोला कि एक पकड़ो ना एक समोसा तो वो बस he was shocked. एक बाजी बस एक, तो उनका चेहरा समर कैसा था? बेस्ट समोसा है ऐसे. अच्छा भाई, अब हमें आपको बताते हैं सबसे पहले रेट और पैकेजिंग वगैरह. ये है हमारी स्वाद बेकरी, इन्होंने सिर्फ हमें इसमें दे दिया और ये एक समोसा है 40 rupees का, है ना? और वो वाला, ये वाला है जम जम बेकरी का है. ये जम बेकरी का 60 का. ये 60 का, ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव समोसा आज का हमें पड़ा है. लेस देखते हैं कि भैया हमें कैसा टेस्ट लगता है, क्या होता है. सबसे एक्सपेंसिव समोसा उसके बाद ये है अल नूर का, जहाँ से हमने सब ट्विस्टर का ये है ट्विस्टर का और ये हमें पड़ा है 40 rupees का. इसके बाद ये वाला समोसा हमें पड़ा है 30 और ये कहाँ से था? अल नूर. ये अल नूर का हमें 30 का पड़ा है और ये है जोकेशरी का, ये भी हमें पड़ा है 40 rupees में. एंड दिस वन फ्रॉम मेमार स्वीट, हमारी प्यारी प्रिय बेकरी जिसका हम नाश्ता करते हैं, जिसका हम खाना खाते हैं, मतलब जो हमें इवनिंग स्नैक्स चाहिए होते हैं, नाइट स्नैक्स चाहिए होते हैं, जो भी चाहिए होता है हमें, हम इसी के खाते हैं. और सबसे फेवरेट भी हमारी यही है. क्यों भाई? बात तो सही है. जी बिल्कुल. अब हम करते हैं सबकी अनबॉक्सिंग और आपने वो तो देख ही लिए पैकेजिंग किस तरह दी है. सबसे ज़्यादा शॉक जो मैं हुई थी वो मैं हुई थी ट्विस्टर पे, क्योंकि यार सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव आप दे रहे हो और यू जस्ट लाइक ये लो बाजी, ऐसे थोड़ी होता है. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. चले जी, अब हम इन सबको अनबॉक्सिंग करते हैं. प्लेट लगाओ इंडिया नवाब. सबसे पहले हम ट्राई करेंगे स्वाद बेकरी का समोसा, बट इन्होंने हमें कोई चटनी नहीं दी तो अब इसको हम बगैर चटनी के ही ट्राई करेंगे. इतनी सारी क्यों लगानी, पहले एक ही उठानी थी ना. और चम्मच चम्पलू देखते हैं भाई इसमें रायता से पाला दिया नहीं उन्होंने, तो डालूं क्यों, स्टफिंग तो अच्छी है. चलो तुम ट्राई करो कैसा है. करो तुम हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती. मैं नहीं खाती. बहुत ज्यादा स्पाइसी है. अच्छा भी नहीं है, एवरेज है, बस गुजारा. जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप खा सकते हैं. 10/5 सही कह रहा है. साइड कर दो उसको, उसको उसको नीचे रखो. अब हम नेक्स्ट समोसा लेंगे, ये सबसे एंड में ट्राई करेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव है हमारे यहाँ समोसे की सीरीज में. ये किसका? ट्विस्टर का. बेक करो इसको. उन्होंने हमें चटनी भी दी है. डाल भी लो. एक समोसे की तरह, एक समोसे के लिए क्वांटिटी तो भाई सही है, बस ओके ओके. और इनकी जो थिकनेस है वो जरा, मेरी बहन ने भी बनाई थी 2 दिन पहले चटनी, बिल्कुल वैसी है. पानी ज्यादा. खैर चलो ट्राई करते हैं. ये ट्विस्टर का है ना? जी बिल्कुल. इनकी स्टफिंग भी देखने में वैसी लग रही है. बिल्कुल भी जायका नहीं है इसका, गंदा. ये तो ये एवरेज से भी लो है, 10/2 बस. अच्छा नहीं. ये वाला कहाँ से लिया था हमने? अल नूर का ही है, जोक का है. जोक का है ये, जोक के शीरीन से ये वाला समोसा लिया. जोक के शीरीन. अब इसके इसके भी ये खोलो. Thank you.
माशाल्लाह कलर थोड़ा बेहतर था, लेकिन पानी की क्वांटिटी एज यूजुअल ज्यादा, और उस वाले में पत्ते है, लेकिन इसकी पुदीना ज्यादा है, उस वाले में वो कम, लेकिन लगता है इन्होंने पानी ज्यादा डाला है तो हमें क्वांटिटी भी ज्यादा मिल गई है। खैर, अरे उनकी वो तो टेस्ट की नहीं हमने, चटनी दिखने में ही बुरी लग रही है समोसे की तरह, सब इनके स्टफिंग भी सेम है। अच्छा भाई अब करो ये वाला टेस्ट करो, ये है जोके शिरी का समोसा। ओहो इसका आलू बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें हम डालेंगे चटनी पानी से भरी हुई। ये अच्छा है माशाल्लाह, बगैर चटनी कब चटनी के साथ ट्राई करते हैं। हाँ करो, मैं बताती हूँ इसकी जो चटनी है ना वो बासी हो चुकी है, मतलब ख़राब हो चुकी है, दही जो उसका है ना अजीब सा ख़राब होने के बाद जो टेस्ट आता है ना वो टेस्ट आ रहा है, बट अगर आप विदाउट चटनी लो तो अच्छा है समोसा। 6 out of 10 के साथ। हाँ चटनी अच्छी नहीं इनकी, ख़राब हो चुकी है। 10 out of 10 नहीं, 10 out of 6 बोला है मैंने, 10 out of 6। चलो अब हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ये कौन सा अल नूर, इन्होंने भी हमें चटनी नहीं दी और ये भी हमसे पूछे थे बाजी बस एक समोसा, मैंने कहा हाँ भाई एक ही समोसा, रिएक्शन कुछ क्रेजी थे क्रेजी वाकई बहुत क्रेजी थे। तो इनका ऊपर से भी थोड़ा अलग है समर, गिर गया नूर पहले अच्छे थे, मतलब समर का कहना है पहले ये बेकरी अच्छी थी अब नहीं अच्छी रही, और इनकी स्टफिंग भी बहुत बुरी सी लग रही है, बासी बासी लग रही है। लोग इसको तुम ही ट्राई करो मैं दिल्ली चाह रहा, पापड़ी ट्राई नहीं करनी होती, अंदर का भी ट्राई करना, पापड़ी मजेदार है, मसाले का मुझे नहीं पता, मसाले का अपनी बहन को बोल दो बाद में, चलो ट्राई करके बताओ कैसे, गंदा वाला मुझे ट्राई करवा रहे हो अच्छा नहीं है चलो, मतलब स्टफिंग भी, इसकी स्टफिंग बहुत पुरानी है, ऐसा लग रहा है 2-3 दिन पहले की स्टफिंग डाली हुई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 10 out of 0 बंद दे दो, स्मेल भी आ रही है इसमें गंदा। जो असल मुकाबला है ना वो है इन दोनों बेकरी में, ये हमारी प्यारी मेमार स्वीट और ये है जम। वैसे जम की चीज़ें मैं इतनी खाती नहीं हूँ क्योंकि हमें मेमार स्वीट ही अच्छा लगता है, पर ये इसका कंपैरिजन इसलिए क्योंकि इनकी प्राइस सबसे ज़्यादा हाई है। वैसे समोसे का लुक बहुत अच्छा है, बट इन्होंने जो दिया था ना वो जस्ट लाइक आपकी इतनी बड़ी बेकरी है, आप एक पूरा ब्रांड है आप, तो ये देवा ये ले बाजी ये ले ले, मतलब अगर हम एक समोसा ले रहे हैं तो क्या हम कस्टमर नहीं है। खैर एक समोसा लेने वाले की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ये वाला, फिर हम अपनी मेहमान से ट्राई करेंगे। इन्होंने भी हमें साथ चटनी नहीं दी, इसको तोड़ते हैं। चलो स्टफिंग, वैसे तो स्टफिंग हर समोसे की बहुत भर भर के डाली हुई है सबने, अब देखते हैं ये कैसी है। अलनूर बहुत बेकार था, दिखाओ इसको उस चटनी के साथ टेस्ट करें, वो चटनी हमने टेस्ट नहीं की पानी वाली, वैसे ये चटनी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट करी, बोला पानी वाली है लेकिन अच्छी है। और इसका मैं रिव्यू आपको थोड़ी देर में देती हूँ, पहले हम लोग खोलते हैं अपना मेहमान स्वीट का समोसा जिसके लिए प्लेट ख़त्म हो गई है। तो बात समझ में आई, आप मेहमान में कितनी ब्रांच है, 5-6। अच्छा खोलो ये वाले, दिस समोसा लुक्स लाइक अ वाओ, मतलब ये तो है ही वाओ, मैं आपको खाने से पहले बता सकती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा समोसा है, आप एक बार लेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। खोलो चटनी जल्दी जल्दी खोलो, तो उसको इशारा करो कैंची ले आ, मुझे पता है लेकिन क्या कैंची लाती मैं।
ये है इनकी स्टफिंग, तुम ट्राई करो, इसमें रख लो। इनसे प्यार नहीं। इनकी चटनी भले ये रायता पानी वाला होता है पर होता बहुत मजे का है। टेन आउट ऑफ टेन, मजेदार। अच्छा मैं बता दी हूँ, जो जम का था समोसा 60 रुपीज, वो वर्थ इट है, अच्छा है। इसमें आटा टाइप नहीं होता, बेसन क्या बोलते हैं इसको, वो जा रहा है स्टफिंग में जो है ना, की रोटी मोटी है मतलब, जो ऊपर की है ना, क्या कहेंगे इसको, रोटी कहेंगे। ये बहुत ज़्यादा मोटी है लेकिन इसकी जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, खा सकता है बंदा। और अपने मेहमान स्वीट का तो क्या ही कहना, रोटी भी बहुत पतली और अंदर की स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी, नॉर्मल, तो रिकमेंड है पूरा पूरा। केचप के साथ ट्राई करें, सबको कर लो, तू करेगी, ये तू क्या होता है, आप क्या ही जस्ट लाइक, वीडियो खत्म होगी, ये जरूर डालूंगी मैं वीडियो में, तुम देखना। चले भाई, इसी के साथ आज की वीडियो को हम करते हैं एंड, और इसी की तरह मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल बीमार स्वीट का खाने, बाकी आप खाओ। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके, और लाइक शेयर कमेंट, एंड नेक्स्ट वीडियो आप बताइएगा, हाल पे क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो आप बताइएगा कि हम किस पर बनाएं, क्या चीज़ ट्राई करें अपनी सारी बेकरी की। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।